जिंदाबाद, आजादी आजादी, आजाद है हाय हाय, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजादी आजादी, आजाद है हाय हाय, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, आजादी 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 आजादी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आजादी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स और स्टाफ, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक कश्मीरियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो कई दिनों से अपने घरों में मैसूर है, ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और उनको कैदियों की तरह अपने घरों में मैसूर कर दिया गया है। ये सारे मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, खसूसन पाकिस्तान के लिए और सारी इंसानियत के लिए और इंसानी हकूक के अलमबरदारों के लिए एक फिक्र अमल अलविया है कि आज इतने बड़े तादाद में पूरी वादी को जेल की सूरत में तब्दील किया गया है। मेरे भाइयों, आज हम अपने उन मजलूम बहन भाइयों के साथ एक अज़हर-ए-यकजहती के लिए आज अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, अपने दुकानों से निकले हैं ताकि हम हिंदुस्तान को ये पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने कई सालों से, कई दिहाइयों से हमारे शाहरा कश्मीर के ऊपर आसमाना कब्जा किया हुआ है और हम चाहते हैं कि आलमी उसूलों के करारदादों के मुताबिक इसका फैसला हो जाए, लेकिन हर दफा हिंदुस्तान फरार इख्तियार करता है और आज पाकिस्तान की आवाम ने, नौजवानों ने ये फैसला कर लिया है कि उनको हमारे साथ बैठना होगा, उनको जल्द इस कब्जे से हाथ उठाना होगा और वहाँ के मुसलमानों को आज़ादी देनी होगी। ये हम सब पे फर्ज है कि हम हर बंदा पाकिस्तान के साथ, इस धरती के साथ सही मानों में मुखलिस बन के दिखाए। हम हर बंदा अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए इस मुल्क कौम के लिए इतना काम करे कि ये मुल्क एक ताकतवर कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पे जगमगा उठे और ये सारे मोदी ट्रंप प्यूटन सारे हमारे कदमों में बैठ जाए। आज हम इस अहद के लिए निकले हुए हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को पैगाम पहुंचा दें कि मुसीबत की इस घड़ी में, इस तकलीफ में हम उनके साथ हैं, हम अपना माल जान सब कुछ उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हम अपने फौज के
शाना बशाना लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जो तहरीक आज से शुरू हो गई है ये हिंदुस्तान की तकसीम पर होकर ख़त्म होगी। थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।